इसलिए देखिए हीटिंग कर रहा है, ये देखिए ये हीटिंग कर रहा है। अब इसको तेज़ पे कर देंगे, अभी हम इसको नॉक को और घुमाएंगे। ये देखिए हमने इसको और घुमा दिया, ये देखिए अभी ये भी पूरे जो देखिए दोस्तों ये एक रूम हीटर है, देखिए आप ये ओरपेट कंपनी का है, ओरपेट कंपनी का है। ये फ़ैन वाला था, इसमें फ़ैन घूमता है। इसमें दिक्कत ये आ रही है कि ये बिल्कुल भी जो इसका हीटर है, ये इसका फ़ैन है, वो बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा, तो इसको हम ठीक करेंगे। उसके लिए हमें इसके यहाँ देखिए आप यहाँ पर ये इधर हॉल में और यहाँ पर इसमें ये चार बोल्ट लगे हैं, उन बोल्टों को तो हमने देखिए खोल लिया। ये पतला पेचकस लेके, ये पतला सा पेचकस है वो लेके हमने इसको तो खोल लिए। यहाँ के चार बोल्ट हम खोल लेते हैं, ये आपको दिखा रहे हैं हम। आ गए ठीक है, चार वोल्ट आ गए। अब इसको हम यहाँ से पेचकस लगाते हैं, ये देखिए जो इसकी जंगे हैं यहाँ पर हम इसमें पेचकस लगाते हैं, ये देखिए ऐसे इधर पेचकस लगाते हैं। तो इसको हमने हटा लिया, ठीक है ये देखिए हटा लिया इसको, ये इसका कवर ओवर आ गया, इसको हटा लिया ठीक है। इनको रख दिया साइड में, हाँ बेटा खुजाओ। तो ये देखिए हमने यहाँ पर इसमें क्या दिक्कत थी कि इसका ये यहाँ पे इसमें ऑटोकोट लगा हुआ है और यहाँ पे इसके थर्मोस्टेट लगा हुआ है, जो हाई टेम्परेचर होती ये बंद कर देता है, और अगर यहाँ बंद हो जाए सप्लाई यहाँ बंद हो जाए तो ठीक है, तेज़ गर्म होने के बाद अगर उसके बाद भी बंद ना हो तो फिर उसके बाद ये हाई टेम्परेचर वाला इसका काम करना स्टार्ट कर देता है, या फिर हो सकता है पहले ये कट हो जाए या ये कट हो जाए, दोनों में से कोई एक पहले ऑटोमेटिक कट हो जाता है, ऑटो कट हो जाता है, इससे जो है ये जो अपना हीटर है ये घूमना बंद हो जाता है। अब हमने चेक करा तो ये चालू था, हमने इसको चेक करा सीरीज से तो ये दोनों चालू थे और ये काम बिल्कुल नहीं कर रहा था, इसको भी काम करना चाहिए था, इसको भी काम करना चाहिए था, ये काम कर रहा था और ये काम नहीं कर रहा था। तो इसके लिए हमने क्या लिया, ये तार लिया, लोहे का तार लिया, ये देखिए बोल्ट दे रखे हैं इसके, इस तरह से इसमें ये इसमें लगा दिया एक और एक इसमें लगा दिया ठीक है, एक इसमें लगा दिया, ये जमान ला इसे लगा दिया ठीक है। और इसको उधर से लेके अभी दिखाता हूँ आपको, एक मिनट रुकिए आप अभी दिखाता। इसको पहले इस तरह से मोड़ लिया ठीक है, ये मोड़ लिया, इसको भी मोड़ लेते हैं, इसको भी मोड़ लेते हैं, अब इसको दिखाता हूँ आपको। ये इसको यहाँ से लिया, जो इसका होल दे रखा है इसको यहाँ से लिया और इसको अभी दिखाता हूँ आपको, एक सेकंड रुको आप। ये हमने नोक प्लास लिया, ये नोक प्लास लिया और इससे इस हमारे इस फायर को पकड़ लिया, ये देखिए नोक प्लास से पकड़ के इसको इस तरफ निकाल लिया, दिख रहा है आपको, एक तो हिस्सा इसका ये आ गया और एक इसका हिस्सा ये आ गया, इसको हमें नीचे से लेना है।
ये देखिए इस तरह से इसके दोनों तार आ गए, ठीक है, ये दोनों तार आ गए। आप इन तारों को चाहो तो आप ऐसे लेके ऐसे मिला दो आपस में, ये हमने इसको मिला दिया, ठीक है, इसे मिला दिया। आप भी आपके जो उसको हो उसमें मिला देना। ये देखिए ये हम इसको मिला चुके हैं, इसको इसको आपस में मिला दिया। इसको मिलाने की ज़रूरत नहीं है, इसको मिलाने की ज़रूरत नहीं है, इसको मिलाने की ज़रूरत थी तो हमने इसको मिला दिया। आप चाहो मल्टीमीटर चेक कर सकते हो, आप चाहो अगर आपके पास सीरीज का कनेक्शन है तो उससे कनेक्शन से आप इसको चेक कर सकते हैं सप्लाई आ रही नहीं आ रही। सबसे 90% जो इसमें ख़राबी आती है वो यही आती है कि इसके ऑटोमेटिक जो सिस्टम होता है वो बंद हो जाता है, ऑटो कट हो जाता है, जिसकी वजह से ये पूरे हीटर का सिस्टम जो होता है ये बंद हो जाता है, और या फिर ये ऑटो कट बंद होता है तब भी पूरा सिस्टम इसका बंद हो जाता है। और पहली सब मिस्टेक ये आती है इसमें कि ये काम करना बंद हो जाते हैं तो हीटर बंद हो जाता है। और सबसे ज़्यादा दूसरी एक और ख़राबी आती है इसके अंदर, ये दो ख़राबी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसके अंदर, इसका हीटर काम करता रहता है और इसका फ़ैन नहीं घूमता, तो उसके लिए उसकी मोटर वगैरह जाम हो जाती है। इसकी बिल्कुल मोटर बिल्कुल फ्री है, ठीक है ना, इसकी मोटर बिल्कुल फ्री है। देखिए आप, अब इसको हम चालू करते हैं, ये हमने बोर्ड ले लिया, इसको डायरेक्ट ला दिया लगाइन में। ये फैन अच्छे से घूम रहा है, इसकी स्पीड बढ़ाएंगे हम। ये देखिए ये गर्म हवा आने लगी है अब, और ये इसकी ये देखिए अभी चल रहा है इसका। अपन इसको इसको हीटिंग पे करते हैं, अभी ओनली फ्री मोड चल रहा है, हीटिंग करते हैं तो अभी इसमें जो है हीटिंग करने लगी। देखिए ये रेड हो गया, देखिए उसकी वजह क्या है, इसके ऊपर की जो बॉडी है ना वो बॉडी इस पे लगी हुई नहीं है, इसलिए देखिए हीटिंग कर रहा है। ये देखिए ये हीटिंग कर रहा है। अब इसको तेज़ पे कर देंगे, अभी हम इसको नोक को और घुमाएंगे। ये देखिए हमने इसको और घुमा दिया, ये देखिए अभी ये भी पूरे जो है धीरे धीरे लाल हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक बंद हो चुका है, ऑटोमेटिक बंद हो चुका है ये, ठीक है। ये फ़ैन हमारा बिल्कुल बंद हो गया। अब इसको हम हमारे जो जिसका बोर्ड है पिन निकाल लेते हैं, इसकी ये पिन हमने निकाल ली, ठीक है। अब इसको वापस फटे, इसकी जो ये गर्म इसलिए हुई क्योंकि इसकी बॉडी लगी हुई नहीं थी ऊपर की, इसकी बॉडी लगी हुई होती तो ये जो हवा है ना, हवा ओनली इधर आती, यहाँ से पास होकर इधर आती, अभी हवा सब तरफ जा रही है, इसकी हवा जो है ना सब तरफ जा रही है, इसकी हवा इस तरफ आनी चाहिए थी, ओनली इस तरफ आनी चाहिए थी, जब हवा जब चले ये तो हवा इधर आनी चाहिए, लेकिन अभी हवा क्या है, इसकी बॉडी नहीं है ना तो पैक नहीं है ये, तो हवा सब तरफ घूम रही है इसकी हवा फ़िलहाल। तो हम इसको वापस पैक कर लेते हैं, तो देखिए आप इसको वापस पैक कर रहे हैं हम, ये हमने इसकी बॉडी ये लगा दी, सॉरी पलट के लगी गई, ये लगा दिया, ठीक है। उसके बाद हमने कवर लिया, कवर में यहाँ पे इसकी नोक दे रखी है, ये देखिए ये इसकी फिटिंग दे रखी है, ये हिस्सा जो है ये इसमें आएगा, ये देखिए आप इधर से आ गया, ठीक है, इधर से आ जाएगा। ये डोरी दब रही है इसकी, ये डोरी हमने सेंटर में लिया है इसकी, देखिए ये लिया है, ठीक है, ये इसके बोल्ट लगा दिए, सॉरी बोल्ट अब लगाएंगे इसके, ये अच्छे से फिटिंग हो जाए। ये फिटिंग हो चुका है, इसको एक बार और चला के देखेंगे अपन, अब ये सही चलेगा। अब ये लाइट नहीं होगी क्योंकि कवर हो चुका है ना इसका, ये पूरा कवर हो चुका है, तो अब जो इसकी हवा आ रही है वो बस इधर ही आ रही है। ये देखिए ये हमने सेकंड स्पीड पे कर दी इसको, एक बार आपको चेक कराते हैं हम, एक सेकंड रुकते हैं। तो अभी ये ऑफ पे, ये बन जीरो पे है, ठीक है, ये ऑफ पे है,
ठीक है, ये ऑफ पे आ गया अभी। ये फ़ैन चलता है ओनली यहाँ पर, इस जगह पर जो ओनली फ़ैन काम करता है वो फर्स्ट स्पीड और ये सेकंड स्पीड, यह बिल्कुल हाई वाला है। तो हम आपको चला के दिखाते हैं, देखिए ये हमने ये यहाँ फ़ैन घूमेगा, हमने ये चालू करा, ये फ़ैन घूमने से लग गया इसका, ठीक है। अब इसको ये वाले स्पीड पे करते हैं, अभी गर्म हवा नहीं आ रही, अब गर्म हवा आने लगी, ये देखिए अब गर्म हवा आ रही है हमारे, ठीक है। अब ये इसको थर्ड स्पीड पर करते हैं, सॉरी सेकेंड स्पीड पर करते हैं, सेकेंड स्पीड पर यह फुल हीटिंग आएगी इसकी, और ये जो पहले गर्म हो रहा था ना, अब वो गर्म होना भी बिल्कुल बंद हो जाएगा। देखिए आप इसकी गर्म गर्म हवा आ रही है अच्छी खासी, देखिए ये ले ना, मतलब इसका हीटरिंग हीटर जो है अच्छे से काम कर रहा है। लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू। अब इसको हम बंद कर देते हैं।